देखो इस शरारती बच्ची को, सुबह उठते ही ना हमारी तरफ देखी, इधर उधर कुछ नहीं, सामने इसको ये दिख गए और इनको खोलने पड़ गया है। शरारत दिखती है बस। नीवा, ओ नीवा जी, नैनवी, इधर देखो, बाय गयम। ठीक है चलो जी, इससे निकलेंगे बात, चल पड़ो, इससे निकलेंगे बात, ना गुड मॉर्निंग की ना कुछ, शरारत करने लगी उठ के। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो उठ के बैठ भी जाती है खुद ही, और लेटे हुए भी उठ जाती है, और क्रॉलिंग भी बहुत तेज करती है। अब तो इसका गिरने का इतना डर है ना, लेकिन बेड से ना अभी ये गिरी नहीं, मतलब जैसे गिरी नहीं लेकिन फिर भी डरती है। जब इधर एंड में पहुंच जाती है फिर लगती है रोने की अब आगे नहीं रहा। वैसे अभी तक गिरी नहीं है पर नेचुरली इसको डर इसके मन में ऐसे ही बैठ गया है। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। नैनवी से हेलो, ये पीछे देख रही है, अम्मा जी पत्ते तोड़ रहे हैं पूजा के लिए, तो यहाँ पे ना शेडो पड़ रही है, पेड़ है सामने। तो मैं ना अभी सफाई कर रही थी, मतलब झाड़ू दे रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि जैसे मैंने दुपट्टा नहीं लिया था, तो फिर मैंने जल्दी से दुपट्टा ले लिया। तो मैंने सोचा ये बात मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि कौन कौन लोग ऐसा करते हैं या किस किस को घर वालों ने ऐसा बताया है कि झाड़ू देती बार हमेशा सिर में दुपट्टा होना चाहिए। हमें ऐसा बताया घर वालों ने, वरना जो है लक्ष्मी चली जाती है और कोई भी नुकसान हो सकता है, आदमी का नुकसान हो सकता है या कोई और नुकसान हो सकते हैं। तो फिर हमें ना हमेशा डर लगता है कि मैं जब भी झाड़ू देने लगती हूँ मुझे एकदम से ध्यान आता है और मैं जल्दी से चुन्नी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी पूछूँ कि कौन कौन ऐसा करते हैं। ऐसे करना चाहिए है ना, क्योंकि कुछ जो हमें अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए, अगर बताया तो होगा इसमें। वैसे तो साइंटिफिकली भी देखा जाए तो बाल गंदे ना होने के लिए हमें चुन्नी लेनी ही चाहिए, इतनी धूल उड़ती है, देखना। तो इसको देखो कि क्यों बना रही है वीडियो, इसको और काम चले हैं। और वैसे भी चुन्नी लेनी ही चाहिए अगर हम साइंटिफिकली देखें, पर वैसे भी घर वालों ने बताया है, तो नेचुरली फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जब आप कोई भी काम एक बार करते हो ना फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अभी जब भी हम नहीं लेते तो मुझे तो एकदम से डर लग जाता है, याद आ जाती है ना, तो जल्दी से कि अच्छा चुन्नी लेनी है, बिना चुन्नी के नहीं देना, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो वैसे हम कोई भी आदत ना एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे करके हमें आदत पड़ जाती है, फिर वो चीज़ करना हमें अच्छी लगती है। और मुझे तो वैसे भी कल्चर से जुड़े रहना बहुत पसंद है। जो जो चीज़ें हमसे हो पाती हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ फॉलो करना मुश्किल है। जैसे बहुत लाइट पड़ रही है, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि हर चीज़ फॉलो की जाती थी, तो आजकल हर एक चीज़ तो फॉलो नहीं की जा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। और लेकिन जो कुछ चीज़ें जो बहुत इजी हैं, हम इजीली कर सकते हैं, उनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और ना जब घर से कोई निकलता है तो उसके जाने के बाद भी झाड़ू नहीं दिया जाता, इसीलिए हमें भी सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू देना पड़ता है। या फिर कभी ऐसे इमरजेंसी देना भी हो, मतलब बिल्कुल भी सफाई नहीं हो, तो फिर पानी का लोटा भर के हम देते हैं, मतलब पानी का लोटा भर के दिया जा सकता है। तो हम जो पूजा का लोटा है उसको बाहर रख के, मतलब बाहर रखते हैं दहलीज पे, वहाँ भर के रख देते हैं, फिर हम झाड़ू दे देते हैं। सो अभी नीवा को नहला देते हैं और बाहर से ना आम का पत्ता ले आई थी तोड़ के। क्या हो गया? ये पत्ता खुद ही ले आई थी, जब मैंने कपड़े चेंज किए तब देखा, मैंने सोचा अब छोड़ देगी, इसने तब भी नहीं छोड़ा। सो नाउ वी बोथ आर रेडी, हम तैयार हो चुके हैं। नैनवी जो है सोने के लिए तैयार है और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। इसको सोने की लगी है, बोलती अब भी सुला दो, आज इसको नहाती बार ही नींद लगी। सुबह ना आज 5 बजे उठ गई थी, मुझसे भी पहले,
फिर लग जाती है इसको 8-8:30 बजे फिर से नींद। अब तो इसने खैर कम कर दिया है सोना, पहले काफ़ी ज़्यादा सोती थी। गाइस आप लोग सोचते होंगे ना कि ये हमेशा खुद ही अपना व्लॉग शूट करती है, क्योंकि मुझे ना कोई कैमरा मैन ही नहीं मिलता। जैसे मैं कभी नैनवी के पापा फ्री भी होते हैं, मैं सोचती हूँ उनको बोलूँगी। मैं उनको जब भी बोलती हूँ वो बोलेंगे 5 मिनट रुक जाओ मैं आता हूँ, या 5 मिनट रुक जाओ, उतनी देर में तो मैं शूट कर भी लेती हूँ। तो वैसे तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा व्लॉग बनाने में, और इतना मेरा बिजी शेड्यूल है, तो फिर मैं खुद ही शूट करती हूँ, या तो फिर मेरे को स्पेशल एक कैमरामैन ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं ना स्कूल के लिए निकल गई और नैनवी को सुला दिया। और व्यूअर्स कुछ एक व्यूअर्स हैं मेरे ना, जो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स ही हैं, जो मुझे ऐसा बोलते हैं कि उनको मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों ने बोला, ऐसा नहीं है एक दो लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हम ना देखते हैं कि जब कभी 2-3 दिन ऊपर हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा आज 3 दिन हो गए, आज भी नहीं आया। मैक्सिमम टाइम आपने नोट किया होगा कि मेरा व्लॉग जो है 7 बजे आता है, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम 7 बजे देखते हैं कि व्लॉग आया आज या नहीं आया। तो फिर अगर नहीं आया हो तो कुछ मुझे टेक्स्ट कर देते हैं, कुछ मिलकर बोल देते हैं कि आपने ब्लॉग नहीं डाला, हमें आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो वो सुन के ना मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। वैसे कभी कभी ना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार अब नहीं करना, क्योंकि ये ना वैसे ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर चीज़ दूसरों को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। कभी भी किसी चीज़ को हम पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें एक टेंशन रहती है माइंड में कि अच्छा अभी व्लॉग करना है, ये भी व्लॉग में दिखाना है, तो हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार। लेकिन उससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं अच्छे अच्छे व्लॉग करने हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग करने हैं। और सुनो, आप लोग जल्दी वाले होने यहाँ से, आप लोग जल्दी आएंगे 6 बजे क्या, मंडी 6:15। आप तो स्कूटी लेके आना, नीचे लगा देना उन लड़कियों को, मैं ले जाऊंगा अपनी बाइक पे। उसको बोला है मैंने सिर्फ गोखड़ा से, ट्रैवलर करनी थी, ट्रैवलर ही की है, भरोसा सारी है बुकिंग गाड़ी। अगर नहीं हुई तो हम लोग तो नहीं, पर वैसे बाकी बीच बीच में खाते रहेंगे देखना। नैनवी का टॉय आएगा ना वहां से चल के, आ गया नैनू। ओ बाप रे, वो तो गिर गया, गिर गया नैनू। वो बहुत खुश हो रही है जब ये गिर रहा है। अब इसका पता नहीं ये क्या है, क्रो है या स्वैन है। ओ बाप रे, कहाँ गया? ओ बेचारा गिर गया। लो पकड़ो, भेजो, आप भेजो अब उसको वहां, भेजो टेबल पे रखो। नहीं पिटाई नहीं करनी है इसकी, भेजो इसको। ओहो हो, ओ ओहो, गिर गया फिर से। और ये इसकी तरफ हो गई, यहाँ ये बच गया ना इससे, कपड़े गंदे कर देती है हमेशा। निवा कितने गंदे किए हैं कपड़े, चाहे बेब लगाओ चाहे जो मर्जी। ये क्यों लिया है आपने, किसने दिया है ये? रखो उधर, रखो टेबल पे। सारी चीजें मारनी है इसको जोर जोर से।
कहाँ गया नहीं बाप का स्वैन कहाँ गया? करो डांसी थक गया वो। इसको एक दुपट्टा निकालना है ना, फेंक दो इसको, फेंक दो इसको निवा, फेंको इसको छोड़ो जित, बस दो कुछ ऐसे ओके व्यूअर्स, आई होप आप सभी ने इंजॉय किया होगा व्लॉग को, तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।